दोस्तों, जेम्स बॉन्ड का नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने तो सुना ही होगा। दरअसल यह एक काल्पनिक सीक्रेट सर्विस एजेंट है जिसको 1953 में लेखक इयान फ्लेमिंग ने बनाया था। और यह सीक्रेट सर्विस एजेंट कहानियों और फिल्मों के अंदर खासकर अपने कमाल के कारनामों के लिए पहचाना जाता है। हालांकि भले ही जेम्स बॉन्ड एक लेखक की कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसे इंसान जरूर मौजूद हैं जिन्हें जेम्स बॉन्ड की तरह ही काम के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बारे में, जो कि फिलहाल तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक खुफिया एजेंट के तौर पर उन्होंने देश के हित में जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। यहाँ तक कि कई सालों तक अजीत डोभाल पाकिस्तान से खुफिया जानकारियां इकट्ठा करके भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी भेजते रहे। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हो, अमृतसर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर या फिर प्लेन हाईजैकर से डील करना हो, हर काम में ही अजीत डोभाल को सबसे आगे रखा जाता है। और दोस्तों, इन सभी ऑपरेशंस के बारे में मैंने आगे इसी वीडियो में बातें की हुई है, लेकिन चलिए फिलहाल हम अजीत डोभाल के शुरुआती जीवन से उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, डोभाल जी के इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्ड के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कि है finnovations.com। दरअसल यह बिगनर्स के लिए स्टॉक मार्केट का कोर्स बनाते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, जैसे कि दुनिया के चौथे सबसे धनी व्यक्ति वॉरेन बफे और 11वें सबसे धनी व्यक्ति कार्लोस स्लिम की तरह ही हजारों लोग स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करके सफल बने हैं। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए बेहतरीन कोर्सेज करके स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन चलिए अब डोभाल जी की हम कहानी को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1945 से, जब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गुणानंद डोभाल था, जो कि खुद भी एक आर्मी ऑफिसर थे। और शायद यही वजह थी कि अजीत के अंदर भी शुरू से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। साथ ही अजीत के पैदा होने के 2 साल बाद ही भारत भी आजाद हो गया था। और दोस्तों, अब यह एक ऐसा समय था जब भारत को एक ताकतवर देश बनाने के लिए हर कोई अपना योगदान देना चाहता था। और फिर इन्हीं सभी माहौल में पले बढ़े अजीत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। और फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद से उन्होंने 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। हालांकि यहाँ पर अगर अजीत चाहते तो कोई भी आम नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश के हित में काम करने के लिए एक IPS ऑफिसर बनने का सोचा। और फिर 1 साल के तैयारी के बाद से 1968 के केरल IPS बैच के लिए सेलेक्ट भी कर लिए गए। और फिर अगले 4 सालों तक उन्होंने देश के हित में बहुत सारे काम किए। लेकिन 1972 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए और यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने बहुत सारी खुफिया जानकारियाँ भारत को दी। और दोस्तों, अजीत डोभाल ने एक भारतीय खुफिया एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में 7 सालों तक काम भी किया। और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसी की काफी मदद की। और दोस्तों, इसके अलावा 1971 से लेकर 1999 तक भारत के हर प्लेन हाईजैकिंग में अजीत डोभाल ने ही हाईजैकर से डील की है। और दोस्तों, 1999 में भी हुए कंधार प्लेन हाईजैक के वक्त भी अजीत डोभाल 3 लोगों के साथ में हाईजैकर से मिलने के लिए खुद ही गए हुए थे। इसके अलावा 1988 में जब कुछ आतंकियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, तब यहाँ पर आम लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था। और दोस्तों, इस ऑपरेशन का नेतृत्व भी अजीत डोभाल ही कर रहे थे। इसके अलावा डोभाल ने पूर्वोत्तर भारत में हुए सेना पर हमले के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई और भारतीय सेना ने सीमा पार म्यांमार में कार्रवाई कर उग्रवादियों को मार गिराया था। और दोस्तों, 1996 में अजीत डोभाल के ही सटीक निर्णयों की वजह से कश्मीर के अंदर चुनाव की नींव रखी गई। और दोस्तों, अजीत डोभाल IB में रहते हुए मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के फाउंडर और चेयरमैन भी रह चुके हैं। साथ ही 31 जुलाई 2004 से लेकर 31 जनवरी 2005 तक अजीत डोभाल IB के डायरेक्टर के पद पर भी काम कर चुके हैं। हालांकि यहां पर काम पूरे करने के बाद से उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला ले लिया, लेकिन इस सच्चे देशभक्त की देशभक्ति खत्म कहां होने वाली थी। रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों में अजीत डोभाल हमेशा ही आगे रहा करते थे। हालांकि आगे चलकर अजीत डोभाल के एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर शामिल किया गया।
और इस तरह से अजीत डोभाल एक बार फिर से एक्शन में आ गए और सबसे पहले ईरान में फंसी 46 भारतीय नर्सेस को वहां से बाहर निकालने का उन्होंने काम किया। और दोस्तों 2016 में पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान करने का श्रेय भी अजीत डोभाल को ही जाता है। और जब 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे तब अजीत डोभाल ही थे जिन्होंने नियम कानून याद दिलाते हुए साफ साफ यह कह दिया था कि अगर अभिनंदन को कुछ भी होता है तो भारत हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से हालातों को काबू रखने में भी अजीत डोभाल ने अहम भूमिका निभाई है। और इस तरह से 74 साल के हो जाने के बाद भी अजीत डोभाल आज भी भारत की सेवा करते हुए नजर आते रहेंगे। और दोस्तों अगर उनके अभी तक के कारनामों को देखा जाए तो भारत का जेम्स बॉन्ड कहना उन्हें कोई गलत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अजीत डोभाल की यह कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।